नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाली आप अपने मोबाइल फ़ोन से प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है या फिर नहीं है। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री में देख सकते हैं। अभी जानना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। आवास योजना में यदि आप नाम देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके का ये वेबसाइट दिखाई देगा। जैसे आप लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा और इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है ऑल स्टेट, तो यहाँ पे पूरे देश में जो भी स्टेट है सभी स्टेट का यहाँ पे लिस्ट में नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं अब बारी है आपको अपना ब्लॉक अंचल सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे जिस भी अंचल से आप आते हैं आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा ईयर का। तो जिस ईयर का आप देखना चाहते हो उस ईयर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 24-25 का लिस्ट देखना चाहते हो तो इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, पेज रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इतना सारा स्कीम है, इसमें जिस भी स्कीम का आप देखना चाहते हो वो स्कीम के ऊपर में आप सभी को एक बार क्लिक कर देना। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इस तरीके से यहाँ पे और भी काफ़ी सारा लिस्ट दिया हुआ। जिस भी योजना का लिस्ट दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे देख रहे हैं जो ये कोड दिखाई दे रहा है इसका, जैसे यहाँ पे प्लस है तो टोटल जो बनेगा वो यहाँ पे टाइप करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा फिर से पेज रिडायरेक्ट करेगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरे का पूरा लिस्ट आप सभी को नीचे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा डिटेल्स दिखाई दे रहा है। यदि आप फुल डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा फिर से ये पेज रिडायरेक्ट करेगा। इस तरीके से यदि कैप्चा ब्लैंक हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे आपको जो कैप्चा का आंसर होगा वो आपको देना है। देख पा रही कि पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे लास्ट में इस तरीके से यहाँ पे जो मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ, सब डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिले। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दिखा दे। अब इसमें यदि अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखा देगा, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट रहेगा तो इसमें और भी सही तरीके से सर्च करने के लिए यहाँ पे आपको जो सर्च बटन दिखा दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे अपना नाम दिखाना है, जो भी आपका नाम रहेगा अगर आपका नाम इस लिस्ट में रहेगा तो वो अपने आप हाईलाइट होगा, आप आसानी से उस चीज़ को देख सकते हैं। पीएम आवास योजना का डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप भी है, उसके ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा जैसे कि इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर के आवास ऐप लिख करके सर्च कीजिएगा। इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिले और आप इस ऐप की मदद से भी काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया हूँ। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में साझा की है उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इससे उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से पीएम आवास योजना का लिस्ट निकाल सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान।